नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एक मरीन स्पीशीज है जिसका नाम है हॉर्स शू क्रैब, एंड ये बड़ा ही महंगा स्पीशीज बताया जाता है। अगर आप देखें तो इसकी जो ब्लड होती है वो ब्लू कलर की होती है, और इसकी कीमत है, इस ब्लू ब्लड की कीमत है $60,000 पर गैलन। इसका एक्सोस्केलेटन होता है दोस्तों, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, इसकी आंखें भी यूज की जाती हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये बड़ा ही महंगा स्पीशीज है, और ये है हॉर्स शू क्रैब। एंड दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट अगर आप देखें तो ये अब दुर्लभ होता जा रहा है, और इसके पीछे इंसान ही बताए जा रहे हैं। तो इसको काफी ज्यादा न्यूज में भी कवर किया गया है, हॉर्स शू क्रैब क्यों दुर्लभ हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, ये ह्यूमन वैक्सीन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं इनको बनाने में। एंड इनके ब्लड में अगर आप देखें तो एंडोटॉक्सिन होता है, जो कि अगर आप देखें तो किसी भी कंटेमिनेंट एंडोटॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकता है। तो इनके ब्लड की खासियत होती है, इनमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंडोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है, और इस प्रकार से वैक्सीन एंड अन्य इंजेक्टेबल मेडिसिन की सेफ्टी को इंश्योर करवाता है। तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज हम इस हॉर्स शू क्रैब के बारे में ज्यादा डेप्थ में जानते हैं, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो आप जल्दी से जाए जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप टेलीग्राम में है तो यूज अन अकेडमी _KC10 किंजल सर, जहां पर आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा मेरी स्पेशल क्लास चल रही है डेली 4 PM to 6 PM, निकालो प्रीलिम्स 2023, जिसमें हम करंट अफेयर्स बेस्ड थीम्स में मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करें, यहाँ पर ज्वाइन करें। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और उस क्लास को जरूर अटेंड करें। तो कल की क्लास की लिंक मैं आज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10, तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप यूज कोड यूज करते हैं KC10, तो ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शन, आंसर राइटिंग में मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, न्यूज में चल रहा है एक टर्म, बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी दोस्तों, अगर आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो टर्म निकल के आ रहा है, दैट इज बायो इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है इस सेक्टर की, एंड तेजी से ग्रो भी कर रही है। तो अगर आप भारत की बात करें तो बायोटेक सेक्टर हमारे यहाँ भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एंड वर्ल्ड में भी कर रहा है। तो इसका आउटकम ऐसा देखने मिल रहा है कि जो इकोसिस्टम है उसपे हम नए स्पीशीज को ढूंढना चाह रहे हैं, उससे कोई मेडिसिन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा हम पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस भी डाल रहे हैं, और कई बार तो इकोसिस्टम को काफी ज्यादा आप देखें तो नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जो स्पीशीज न्यूज में चल रहा है वो है हॉर्स शू क्रैब। हॉर्स शू क्रैब देखिए, अगर आप तो वैक्सीन बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है, स्पेशली अगर आप देखें तो कोविड वैक्सीन में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। एक स्पीशीज एक टाइम में अगर आप देखें तो ये स्पीशीज बहुत ज्यादा एबंडेंट था, अनफॉर्चुनेटली अब इंसानों ने इतना ज्यादा इसको सर्च किया है, पोच किया है, कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो अब ये अंडर थ्रेट हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। तो हॉर्सशू क्रैब दोस्तों, अगर आप देखें तो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट स्पीशीज है जो आज भी अर्थ में एग्जिस्ट करती है। फॉसिल रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो 480 मिलियन साल पुराने हैं, एंड इस वजह से इतने पुराने स्पीशीज है कि इसके फॉसिल्स भी मिलते हैं, और ये आज जिंदा भी देखने मिलते हैं, और इनको लिविंग फॉसिल्स भी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। वैसे इनके नाम में आता है क्रैब, पर एक्चुअली ये क्रैब नहीं है, ये अगर आप देखें तो अरैकनिड्स प्रजाति के हैं, एंड आप स्पाइडर्स, टिक्स जिस प्रजाति के होते हैं, ये उसी प्रजाति अरैकनिड्स के हैं। एंड अगर आप देखें तो ये शैलो कोस्टल वाटर में रहते हैं, जहां पे मडी बॉटम होता है, सॉफ्ट सैंडी बॉटम होता है, तो समुद्र के फ्लोर पे ये रहते हुए दिखते हैं। साउथ एशिया, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में इनको कॉमनली देखा जाता है। भारत की बात करें तो सुंदरबन वाले कोस्टल रीजन में ये कॉमनली देखने मिलते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों, इनका मेडिकल साइंस में ऐसा क्या इस्तेमाल है, कैसे ये बायो इकोनॉमी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो बायोमेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी ड्रग को बनाया जा रहा है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो सेफ है या नहीं, एंड उसी टेस्टिंग के दौरान बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हॉर्स शू क्रैब। तो इनका जो ब्लू ब्लड होता है, इनकी आई होती है, इनका एक्सोस्केलेटन होता है, सभी को मेडिसिनल वैल्यू सभी में होता है, और सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें जो इनका ब्लू ब्लड है, उसमें अगर आप देखें
तो इनको कई मेडिसिंस को, इंजेक्टेबल मेडिसिंस को, वैक्सीन को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा रोल अगर आप देखें तो वैक्सीन सेफ्टी में इनका बताया जाता है, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों इनके ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जो कि अगर आप देखें तो एंडोटॉक्सिन वाले कंटेमिनेंट्स को डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल होता है। तो अगर थोड़ा सा भी एंडोटॉक्सिन किसी वैक्सीन में या किसी ड्रग में आ गया तो वो इंसान जब उसको मेडिसिन, जब वो वैक्सीन किसी ह्यूमन को दिया जाएगा तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसमें अगर आप देखें तो ये एंडोटॉक्सिन ब्लड क्लॉट्स अगर आप देखें तो एंडोटॉक्सिन के प्रेजेंस में हो सकते हैं, और इस वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी की पूरी थम सकती है, रुक सकती है। तो इसीलिए वैक्सीन बनाने के बाद उनकी जो टेस्टिंग होती है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन क्रैब्स का, सो कॉल्ड क्रैब्स का। तो इन क्रैब्स का जो ब्लू ब्लड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं वैक्सीन में एंडोटॉक्सिन तो नहीं चली गई, और 1970 से इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और अभी कोविड वैक्सीन में भी इस्तेमाल किया गया है। इसके सिवा इनका जो आउटर शेल होता है दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये भी अगर आप देखें तो चिटिन का बना हुआ होता है, एंड ये बर्न जो जलता है, जलने के दौरान जो ड्रेसिंग की जाती है उसमें इस्तेमाल करते हैं इसका। इसके सिवा सूचर में जो मटेरियल यूज करते हैं स्टिचिंग में, स्किन को स्टिच करने में, उसमें भी यूज करते हैं। इसके सिवा इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्लॉट करने में काफी सक्सेसफुल होते हैं, तो वूंड हीलिंग में इनसे दवाई बनाई भी जाती है। इसके सिवा अगर आप देखें दोस्तों तो ये काफी ज्यादा वैक्सीन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। पर अब अनफॉर्चुनेटली इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 480 मिलियन साल पृथ्वी में ये रह चुके हैं, न जाने क्या कुछ नहीं देखा होगा पिछले 480 मिलियन साल में, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ह्यूमन प्रेशर अगर आप देखें तो नाउ दे आर अंडर थ्रेट। भारत की बात करें तो इंडिया में शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, एंड कई कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से ये अंडर थ्रेट है। एक अगर आप देखें तो इनको फूड बेट की तरह ओवर फिशिंग किया जाता है, फिशिंग इंडस्ट्री में फूड बेट की तरह भी यूज करते हैं। इसके सिवा आप देखें तो बायो मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, हैबिटेट लॉस हो रही है स्पेशली मरीन इकोसिस्टम्स में। इसके सिवा बर्ड्स वगैरह भी इसको प्रे कर लेती हैं। तो कंजर्वेशन की आवश्यकता है, हम 480 मिलियन साल पुराना स्पीशीज नहीं खो सकते, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए हमें इसके लिए, इनकी ओवर फिशिंग को भी रेगुलेट करना होगा। इसके सिवा जो बायोमेडिकल टेस्टिंग में क्या सिंथेटिक ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अवेलेबल है उनको कमर्शियली वायबल बनाना होगा और उनको एडॉप्ट भी कराना होगा। इसके सिवा जो शोर लाइन वाला इकोसिस्टम है उसको हमको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही इनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी होने वाला है। अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब भी आप एक कोड यूज करेंगे 1 साल या उससे अधिक के प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, तो आपको मेरे द्वारा एश्योरेंस मिलती है हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप की। तो आप निश्चिंत होकर एक कोड यूज करें एंड मेरे द्वारा मेंटरशिप पाएंगे डायरेक्टली, मेरे द्वारा, कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं। इसके सिवा दोस्तों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 1 साल की इसकी कीमत है 51,470 रुपीज, और 1 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 70,394 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो 1.5 साल की है 18 महीने की, उसकी कीमत है प्लस कॉम्बो की 70,287 रुपीज। इसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है। और अगर आप कॉम्बो आइकनिक लेते हैं तो इसकी कीमत है 88,344 रुपीज, इसमें भी GS भी है और ऑप्शनल भी है। तो ये दोनों तब है दोस्तों जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा अगर अपन अकेडमी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल की कीमत है 27,215 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा मेरे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, निकालो प्रीलिम्स 2023 4 PM to 6 PM, उसमें जरूर जुड़ें सो दैट आप प्रीलिम्स रेडी हो सकें, 2023 के लिए मजबूती पा सकें। इसके सिवा UPSC KCGS कॉम्बैट है इस संडे को, तो इसका हिस्सा जरूर बने। स्कॉलरशिप है 4 करोड़ तक की, तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। 60 मिनट में 50 सवाल होने वाले हैं। इसके सिवा UPSC CSE टेस्ट सीरीज है जिसमें भी आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। आप मेंस टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज दोनों में ही जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन। इसके सिवा CSE अश्योर प्रोग्राम है, जब भी आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अगर मन मुताबिक रिजल्ट 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी ना मिले तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता है। इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स है, लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है। इसके सिवा 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी हमने स्टार्ट किया है, कई बैचेस हैं ऑप्शनल के जिनमें हम आपको नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनमें आप जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 एंड गेट 20% ऑफ, बस कुछ दिनों के लिए आपको मिल रहा है। इसके सिवा UPSC बैचेस है जुलाई 6, 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं, इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।